एक हमारे पास ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एक तरह से एग्जाम्स के लिए, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए। तो हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 equals to sin 5x and sin 5x by 2। प्रॉब्लम ये है, ऐसा फॉर्मूला आपके सामने नहीं आया। फॉर्मूला अगर हमारे सामने आया भी है तो वो कुछ इस तरह का फॉर्मूला आया है, 2 cos a cos b। अब आप कोई मुझे बताएगा कि 2 cos a cos b कब आता है, किस फॉर्मूले में ये नजर आता है हमें 2 cos a cos b। दोनों cos आ रहे हैं, सिंगल एंगल है, थोड़ा सा आइडिया दे दो शाहीन। सर दोनों cos कब आते हैं, पीछे पेपर में देखने से काम नहीं चलेगा। दोनों कॉस तब आते हैं जब आप कॉस को प्लस करते हैं। सीधी सी बात है, कॉस को प्लस करेंगे तो दोनों कॉस आएंगे, कॉस को माइनस करेंगे तो दोनों साइन आएंगे, वो भी माइनस। और अगर लेफ्ट साइड में सिंगल एंगल है तो राइट साइड में डबल एंगल होगा, ये ध्यान रखना। तो 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b से आता है। तो ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखो, अब जरा ध्यान से। हमारे पास जो है, हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, हम ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है cos 2x cos x by 2 minus cos 3x and cos 9x by 2। ये हमारे पास है, इसमें 2 है नहीं, तो 2 से हम क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हम डिवाइड भी करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। हम तो यहाँ से लिख रहे हैं, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो इस ऊपर वाले 2 को हम अंदर ले जाएंगे, तो इस अंदर ले जाएंगे अगर 2 को तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए आप। तो ये बाहर जो ऊपर 2 है इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाहर ये इस तरह से 1 नजर आएगा। यस सर नो, सब बच्चों को समझ में आया क्या, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया और 2 से आपने डिवाइड किया, सर समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो बोलते भी नहीं हो, मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं बोलते हो। लंच नहीं किया तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया सर और 2 से डिवाइड किया, तो ये 1/2 तो बाहर रहेगा और अंदर आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 आपका आ जाएगा cos 2x and cos x by 2 के साथ and फिर माइनस, ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई होके आएगा cos 3x cos 3x and cos 9x by 2 के साथ। अब जो हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा था कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका जो 1/2 है वो तो एज इट इज रहेगा और 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 2 cos a cos b क्या था भाई, 2 cos a cos b था cos a plus b, बट आप ध्यान से देखोगे a यहाँ पे 2x है और b यहाँ पे x by 2 है, तो that will be cos a plus b 2x plus x by 2 प्लस cos a माइनस b 2x माइनस x बाई 2। तो ये आपका पहला वाला ब्रैकेट आ जाएगा और बीच में हमारे पास क्या था माइनस, तो यहाँ आपके पास माइनस आएगा, फिर आपके पास सेकंड ब्रैकेट आएगा और अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये वाला 2 cos a cos b, तो अगेन क्या आएगा हमारे पास cos a plus b, बट इस टाइम आपके पास a 3x है और b 9x बाई 2 है, तो आपके पास आएगा cos 3x plus 9x by 2 and आपके पास क्या आएगा plus cos 3x minus 9x by 2। ये हमारे पास, देखो ये स्टेप आपको क्लियर है या नहीं सब बच्चों को? यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, जरा ब्रैकेट को सिंपलीफाई करना शुरू करो। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1/2 2 to the 4 plus 1, तो ये हो जाएगा cos 5x by 2 plus
टू टू जा फोर माइनस वन कॉस थ्री एक्स बाई टू, ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, थ्री टू जा सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन एक्स बाई टू एंड माइनस प्लस माइनस टू थ्री जा सिक्स माइनस नाइन, तो सिक्स माइनस नाइन माइनस थ्री होता है कॉस माइनस थ्री एक्स बाई टू। ये बात बताओ सबको समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है जी, अब जरा मुझे ये बताओ कि कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा कैसा होता है, कॉस माइनस थीटा कितना होता है? ये जो कॉस माइनस थ्री एक्स बाई टू है ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉस माइनस से कॉस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे क्या पास बचा सर? कॉस सी माइनस कॉस डी। किसी को मालूम है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला? 2 cos c plus d by 2 cos c minus d। अच्छी बातें मत किया करो शाहीन, जब cos को माइनस करेंगे तो दोनों साइन आएगा। sin c minus d by 2। नहीं आए मार्क्स किसी के भी टेस्ट में, पिछली बार तीन चार बच्चों ने टेस्ट दिया है, किसी के भी फुल मार्क्स नहीं है। अभी तो आपको IIT के क्वेश्चंस भी नहीं कराए, अब 11th में आ गए माशाल्लाह, कंपटीशन के क्वेश्चंस कराने हैं आप लोगों को, कैसे काम चलेगा? अभी तो हम एकेडमिक में भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो सारे टीचर्स इस बार अब आपको कंपटीशन पे लेके जाएंगे। थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लीजिए सब बच्चे जिनका भी इरादा है। और दूसरी बात यह कि दोनों इंस्टीट्यूट में क्लासेज होंगी, उधर भी इधर भी, तो वो वाले टीचर्स भी आप लोगों को परेशान करेंगे, वो तो सारे IIT और NEET के लिए ही है, तो वो भी आया करेंगे आपसे मिलने, ध्यान रहे इस चीज का। तो खैर cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2, तो आपके पास क्या आएगा 1 by 2 तो as it is into minus 2 sin c, तो c हो गया 5x by 2 और ये हो गया आपके पास 15x by 2 by 2, ध्यान रखना c plus d by 2, फिर आएगा sin c माइनस डी बाई, ये आपके पास होगा। तो आपके पास क्या होगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस एज इट इज रहेगा, तो माइनस साइन, प्लीज ध्यान से देखिए, फाइव प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी होता है, ट्वेंटी बाई टू टेन होता है और टेन बाई टू फाइव होता है, तो यहां से आपके पास आएगा साइन फाइव एक्स। फिर आपके पास क्या है, 5 माइनस 15 10 होता है, 10 बाई 2 5 होता है और 5 बाई 2 आएगा, तो माइनस में साइन माइनस 5x बाई 2। ये बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है? 5 माइनस 15 10 और 10 बाई 2 5 और फिर 5 अपॉन 2, ठीक है जी। अब साइन माइनस थीटा बताओ क्या होता है? आपके पास आ गया साइन फाइव एक्स इंटू साइन फाइव एक्स बाई टू। जरा चेक करो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, हाँ भाई राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था जी? साइन फाइव एक्स, साइन फाइव एक्स बाई टू। चलो नोट करो जरा इसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इस पे, सब बच्चे ट्राई करो।